रहना चाहिए। एक मिनट मारना, इसको मारने दीजिए, मारना है। हेलो जिंदाबाद 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 आशीष यादव, आशीष यादव के फैन है और ये इसको भी रहना पड़ेगा आशीष यादव। हाँ भाई, ट्रेंडिंग स्टार है, ट्रेंडिंग का बज रहा है, तो देख ले, काट लो, बुलेट ले लियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत है। अभी हम गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं झगड़ा हो रहा है। यहाँ पे किस बात की झगड़ा हो रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। भाई, रुको, किस भैया, कौन है यार? आप साइड हो जाइए, आप बीच में साइड हो जाइए। किस बात की झगड़ा कर रहे हैं? इनको हम पैसा दिए आशीष भैया के टैटू छपा लिया आशीष यादव के, रोशन रोही का। पहले मामला क्या, आराम से बोलिए, आराम से कहा, दर्शक लोग देख रहे हैं, हम रिपोर्टर जान रहे हैं कौन रिपोर्टर है, आप लोग दम आराम से। भैया देखिए, मारना, इसको मारने दीजिए, हम तो नहीं जानते हैं। इसका गाना कहाँ कहाँ नहीं बज रहा है, छुपा लेने तो देख ले, काट लो, बुलेट ले लियो। अरे भाई भाई, क्या बोल रहा है कि आप दोनों के दिक्कत क्या है? आप अपना जो है कि इस पे अलग अलग फोटो। गुरु के बुरा कैसे कहा इसने? आपका गुरु है? हाँ, भगवान है। भगवान मेरा, तो बुरा बोल भी रहे। आराम से उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दोनों झगड़ा किस वजह से कर रहे हैं? झगड़ा का क्या मामला है? हम आशीष यादव के फैन है और ये इसको भी रहना पड़ेगा आशीष यादव। हाँ भाई, नहीं रहेंगे, रहेंगे गुलाम है रे, रहना पड़ेगा। कर भी तू झगड़ा, एक मिनट वहीं करने के लिए नहीं, नहीं भाई वैसे नहीं कर। भैया देखो, छोटे बड़े भाई है, बड़े भाई है तो क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं तो इनका बात गुलाम बनाएगा, इसके बात सुनेंगे, इनका बात मान लेते हैं। रोशन रोही जिंदाबाद 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 आशीष यादव। नहीं रे, कहाँ है जिंदाबाद? जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और रहेंगे। आप लोग ये दोनों फोटो है जो कि क्यों छपाए हैं टैटू यहाँ पे? भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं इनको, भगवान हमेशा देखना चाहते हैं। गुरु तो सबसे बड़े कौन होते हैं? मम्मी पापा होते हैं। मम्मी पापा को भी चाहते हैं, मम्मी पापा हाँ, माँ के लिए लिखाए हैं। और आप भाई जो है जो कि आप तो है ये छपाए, तो क्या क्या ये सब क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई है कि नहीं बताओ? पढ़ाई लिखाई भी है तो ये भी करना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है। और ये झगड़ा भी करना जरूरी है गांधी मैदान में? झगड़ा ना करेंगे, या हमारा जंग बोलेगा आशीष यादव के फोटो छपाने का तो बोलेंगे ना आशीष यादव को फाइन भरना पड़ेगा। मारो पहले तो, सुन रहा, सुनो भाई, कैमरा बंद करा लो, इसको पैसा हम दे देते हैं मीटर वालों, इसको द्वारा देख ले, पैसा हम दे दो, जितना लगेगा हम उतना देंगे, सब छप जे छप गया वो मिटेगा, बताओ मिट जाएगा, इनको हम पैसा दे दो। नहीं तो इसको पत्ती से कटवा देते हैं, पत्ती से कटवा दियो रे। रोशन रोही नहीं रहना चाहिए यहाँ पे ओनली चलेगा आशीष भैया का, आशीष भैया जिंदाबाद है, नहीं रहना चाहिए। झगड़ा मत कीजिए यहाँ पे, देख सकते लाइव चल रहा है, रोशन रोही और आशीष भाई देखेंगे तो आप दोनों को क्या बोलेंगे बताइए? कुछ भी बोले, बाकी इनको आशीष यादव को फैन बनना पड़ेगा, नहीं मानेंगे। आशीष यादव और रोशन रोही है जो कि एक बार जेल गए हैं हाल ही फिलहाल में, पता है? हाँ पता है। तो किस बात के लिए गए थे पता है आपको? वो जेल नहीं गए थे, तो? वो शूटिंग हो रहा था। भैया का हर एक टाइम का हमको पता है, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, अभी भी कहाँ जानते हो? किस लिए गए थे जेल पता है? भैया गए थे, बर्थडे पार्टी था और एक स्टेडियो का एनिवर्सरी था, इसीलिए गए थे। दोनों के हाथों में है जो कि हथकड़ी लगा हुआ, शूटिंग किए थे, सिर्फ रील वीडियो शूटिंग किए थे। रील वैसे कोई थोड़े करता है, रील शूटिंग वहाँ पे जेल रेस्टोरेंट कुछ भी करते हैं रील के लिए, यहाँ क्या क्या करना है? कहीं वो दोनों है जो कि आशीष यादव और मघी के दोनों शेर है, रोशन रोही आशीष यादव, मिल के रहते हैं ना? मिल के तो रहते हैं। तो आप लोग झगड़ा क्यों करे? वो उनका जो है जो कि ऐसा भोज मतलब मघी में विवाद नहीं हुआ, आप दोनों की वजह से फिर सब लोग देखेंगे तो विवाद हो जाएगा, बताइए? ऐसा भोजपुरी में अभी हो रहा है, मघी को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं पूरा दम बवाल तरीका से, और यहाँ पे काफी लोग आपको देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि ऐसे दोनों खुलियाम है जो कि टैटू छपा के घूम रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या भाई, क्या झगड़ा करने का? ऐसे नहीं करना चाहिए, पर भैया कुछ ज्यादा ही बोल दिया था इसलिए कर दे, सॉरी। और अब नहीं करेंगे झगड़ा, नहीं करेंगे तो जबरदस्त, आप मतलब कि आप छोटे भाई हुए और ये है जो कि देखने में भी बड़ लगते हैं, और आप बड़ है तो मैंने सब अच्छा है, पर देखे थे वीडियो तो भैया साथ हुए थे, पहले ही बोले थे इस छपवाने के लिए, मना आप किए थे?
हम मना किए थे इसको आशीष यादव को छपाने के लिए, इनको बोले थे, इसीलिए ना गुस्सा आ गया भैया, आशीष यादव के क्यों छपाएंगे। अच्छा आप लोग आशीष यादव के इतना बड़े फैन कैसे है बताइए, कोई गाना उना या क्या है ऐसा? गाना उनका हर एक गाना ट्रेंडिंग में जाता है, खाली बैग म्यूजिक से गाना आया है, एक गाना सुन के आप फैन हो गए हैं? हाँ। कौन सा गाना बताइए, सुनाइए थोड़ा दो लाइन। अरे पढ़ा ही दुदू क्लास करही तो योगे छौड़ी हो जाही फेल, अरे पढ़ा ही दुदू क्लास करही तो योगे छौड़ी हो जाही फेल, तो छौड़ी कोचिंग में खेल ही कावन खेल तोरा लहंगा में महकौ करुआ तेल। देखिए ऐसा ऐसा गाना सुन के है जो कि भाई फैन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलेजा पे है जो कि टैटू बनवा लिया, टैटू है, और कितना भाई है जो कि पैसा लग गया इसको बनवाने में? इनको बनवाने में लगा 8,500 रुपये। 8,500, ये पैसा है जो कि कहाँ से लाए थे? काम हम कुछ करते हैं कि ऐसे कहीं से? काम नहीं करते, तो हेल्प लिए दोस्त यार से और जेब से लगाए। तो हेल्प लिए तो आशीष भाई कुछ नहीं बोले इसके बारे में? आशीष भाई बोले थे छपवाने के लिए, आशीष भैया तो नहीं बोले थे, तो आशीष भाई हेल्प करेंगे आपको? तो नहीं बोले है वो? वो नहीं बोले, हम भगवान मानते हैं, हेल्प करे या ना करे वो पैसा के मामले में मतलब मायने नहीं रखता पैसा। और भाई ये तुम है जो कि ये छपवाए हो, क्या मतलब क्या कारण है ये छपवाने का? भगवान तो मानते हो, और क्या मतलब कि क्या इनमें खासियत है कि जो कि इतना बवाल है जो कि टैटू आप छपवा लिए? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगते हैं और गाना भी अच्छा लगता है इनका। गाना? हाँ। तो गाना एक आपको कोई बढ़िया सा सुना दो। हाँ, भक्ति गाना आया था अभी, बढ़िया बज रहा है। अच्छा चलिए सुनाइए। सबका तो बेरिया है निमिया रहल पता झा रहे है, मैया के आवे के बेरिया भैलु पता झा रहे है, ये गाना आया था। अच्छा अच्छा, अच्छा भाई गाते हैं। और आशीष भाई और इधर रोशन रोही है के मतलब टैटू छपवाए भाई, और कहीं ना कहीं कि इनके दिल में मतलब कि बहुत बड़े फैन है और काफ़ी जबरी फैन लग रहे हैं भाई का है जो कि काफ़ी मतलब कि क्या भाई कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया का हम ये सॉन्ग से फैन हो गए हैं, होली का सॉन्ग था सबसे। अच्छा। फर्स्ट में ये गाना आया था, सुनाते हैं। अरे फगुआ में सैया लेके पीछा करिया सलाम करै हे सखी हमारो बलमुआ, अरे फगुआ में सैया लेके पीछा करिया सलाम करै हे सखी हमारो बलमुआ, आ ऊपर छू के नीचे प्रणाम करै हे सखी हमारो सजना। चलिए भाई अच्छा गाना गाते हैं, और ये होली का गाना है काफ़ी मतलब भाई को। तो भाई है जो कि आप दोनों है जो कि विवाद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? विवाद तो नहीं करना चाहिए, विवाद भोजपुरी जैसा नहीं होगा। तो दोनों आप भाई है जो मगी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो मगी मगी शेर के भाई है जो कि पहले गले लगिए, गले लग के दर्शक को दिखाइए और मिलिए, बोलिए कि हम नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे झगड़ा, जितने भी झगड़ा करने वाले मगही में सब एक हो जाइए, बोलिए सब एक हो जाइए, जो भी झगड़ा करते हैं मगही में सब एक हो जाइए। ऑल सिंगर मिलके और दोनों भाई है जो कि दोनों सिंगर के आप मानते हैं कि ना? मानते हैं ना कि दोनों है, और दोनों है जो कि ट्रेंडिंग में चले, कोई है जो कि कोई नीचे नहीं गिरे और हमेशा चलते रहे, काहे कि अभी भोजपुरी में काफी कचरा हो रहा है। चलिए तो चलिए सबको बाय बोलिया, और अपने अपने बाय, और भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और क्या आशीष भाई के लिए कहना चाहिएगा? आशीष भी हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग वीडियो क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, इंस्टा आईडी है संदीप सजनवा, और भाई मेरा इंस्टाग्राम है प्रिंस अहिरान 2023, और भैया के गाना का सुनते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। तो फ्रेंड देखे आप लोग कि आशीष भाई के दोनों भाई है जो कि फोटो छपा के और कैसे मतलब कि अपने उनका है जो कि फैन बन गया, और उनके गाने को है जो कि मतलब कि काफ़ी सुनते हैं और काफ़ी उनका है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं। और यह है जो कि एक है जो कि कहीं ना कहीं हम दिखाने के प्रयास किए हैं अच्छाई को, क्योंकि भोजपुरी में अभी काफ़ी मतलब कि अश्लीलता है और झगड़े झंझट चल रहे हैं, और भाई है जो कि यह है जो कि काफ़ी मतलब कि अभी गले मिले हैं। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि मगही में जितने भी कलाकार हैं सब लोग मिल के रहिए, और मिल के मगही का नाम मतलब कि अभी जैसे कर रहे हो वैसे एकदम ऊँचा कीजिए। तो चलिए कैसा लगा वीडियो, और भाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, भाई टैटू बनवा के घूम रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप सबसे मिलते हैं, बाय।